नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में हमेशा खुश कैसे रहा जाए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को सर्च करते हो इंटरनेट में और बहुत सारे तरीके तरीके के एडवाइस मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ 6 ऐसे तरीके, सिंपल तरीके बताने वाली हूँ जो कि आपको लाइफ में हमेशा हैप्पी रहने के लिए मदद करेंगे। अगर आप अभी डिप्रेस्ड हो तो भी इन तरीकों को सुनो, और अगर आप हैप्पी स्टेज में हो तो भी इन तरीकों को सुनो ताकि आप और ज़्यादा हैप्पी हो पाओ। ये जो 6 तरीके हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। जब मैं डिप्रेशन में थी तो मैंने इन तरीकों की मदद से उस डिप्रेशन से मैं बाहर निकली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है डांस इट आउट। डांसिंग 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 बहुत ज़रूरी है डांसिंग हमारी लाइफ में। अगर आपको डांस आता है तो भी डांस करो, अगर आपको डांस नहीं आता है तो भी डांस करो। क्लोज द डोर, पुट योर फेवरेट म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग। ओके, अगर आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ डांस करने में तो अपनी फैमिली के साथ डांस करो। डांस करने से क्या होता है बेसिकली, एक तो आप फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हो तो आपका अपने आप मूड एलिवेट होता है। दूसरी चीज़, आप डांस के फॉर्म में एक तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें कि हम एंडॉर्फिन्स बोलते हैं। इससे मूड एलिवेट होता है, साथ ही आपकी जो बॉडी इमेज है वो पॉजिटिव बनती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बॉडी और शेप में आ गई है। भले ही वेट लॉस हो या ना हो, करके देखना, यू विल फील द डिफरेंस। एक्सरसाइज से पहले क्या फील कर रहे थे और एक्सरसाइज के बाद क्या फील कर रहे थे। तो डांस करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनली स्पीकिंग, जब भी मैं खुश होती हूँ या जब भी मैं दुखी भी होती हूँ, मैं डांस करती हूँ। मैं हमेशा डांस करती हूँ, मैं एवरीडे डांस करती हूँ। कभी कभी दिन में मैं 4-5 बार डांस करती हूँ। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। चाहे आपको डांस ना भी आता हो, चाहे आपको पसंद भी ना हो, फिर भी आप करके देखो, ठीक है। टेक दिस एडवाइस सीरियसली, ओके। सेकेंड जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पैम्पर योर सेल्फ। हम लोग ना कई बार दुनिया की भीड़ भाड़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिम्मेदारियों के बीच में, काम काज में, घर बार में अपने आप को भूल जाते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तब ज़्यादा होता है। तो अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप पूरी केयर एक दिन में ना कर पाओ, लेकिन एक दिन में थोड़ी थोड़ी केयर अपनी करो, अपने आप को पैम्पर करो, ठीक है। जैसे कि आप अपना ब्लीच करो, घर में फेशियल करो, कुछ हेयर कट लेकर आओ, कुछ नया कपड़ा पहनो, कुछ डिफरेंट कपड़ा पहनो, कुछ नई लिपस्टिक लगा लो, कुछ नया काजल लगा लो, ठीक है। तो अपने आप को पैम्पर करो, कुछ नई घड़ी खरीद लो, कुछ भी हो सकता है, नए शूज़ खरीद लो। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ डेली अपने लिए करो, अपने आप को पैम्पर करने के लिए करो। इससे आपकी जो फीलिंग है हैप्पीनेस की वो बढ़ती है, ठीक है। तो डेली कुछ ना कुछ अपने आप को पैम्पर करो। पेडीक्योर कर सकते हो, मैनीक्योर कर सकते हो, नेल पेंट लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लर्न टू से नो। स्पेशली हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो घर के कामकाज में इतनी बिजी होती हैं, किसी चीज़ को ना नहीं बोलती। उनको लगता है कि सबकी जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है। हस्बैंड को खाना परोस के देना, उसकी थाली उठा के रखना, उसको पानी का गिलास देना, ये देना वो देना, मतलब वो सब चीज़ अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। देखिए, हर बंदे की एक लिमिट होती है ब्रेक डाउन होने की। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन हाउसवाइफ्स उस ब्रेक डाउन को भी शो नहीं करती हैं, वो अपने अंदर ही रखती है। नॉट ओनली फॉर हाउसवाइफ्स, अगर आप बाहर भी हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो जो चीज़ आपके टॉलरेंस लेवल से बाहर है उसको ना कहना सीख लो तो उतनी ही जल्दी खुश रहना सीख लोगे। तो जो चीज़ करने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो चीज़ आप दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हो लेकिन आपको पर्सनली वो चीज़ बहुत हार्म कर रही है, अंदर ही अंदर खा रही है, तो उस चीज़ को ना कहना सीख लो। अपनी लिमिट्स बना लो कि यहाँ तक मैं कर सकती हूँ और इसके आगे मैं नहीं कर सकती, और क्लियरली ये चीज़ अपने आसपास के लोगों को और अपने जॉब में हो या हाउस में हो उनको बता दो। तो लर्न टू से नो, ठीक है। आपके मन को पता है कि आपको कहाँ पे नो कहना है, तो उसको प्लीज मन में मत रखो, उसको बाहर निकाल के नो बोल दो, ओके। काफी ज्यादा आप फर्क महसूस करोगे अपनी लाइफ में। चौथा जो पॉइंट है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक गरीब लड़की थी, उसके पास सिर्फ 2 ही जोड़ी जूते थे और दोनों ही जोड़ी जो थे ना वो फटे हुए थे, ठीक है। तो एक दिन उसने कंप्लेन किया अपने पापा से कि मुझे नए जूते नहीं ला के देते, मुझे मेरे सारे जूते फटे हुए हैं। तो शी वॉज़ वेरी अनहैप्पी अबाउट हर शूज़। एक दिन उसने देखा कि एक भिखारी सड़क पे भीख मांग रहा था और उसके दोनों पैर नहीं थे।
तो उस दिन उसको लगा कि मेरे पास बेशक जूते नहीं हैं लेकिन मेरे पास पैर तो हैं। तो ये थी ग्रैटिट्यूड की भावना। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना सीखो, धन्यवाद देना सीखो भगवान को। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, लोगों के पास वो भी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपके पास माँ है, अगर आपके पास पिताजी हैं, आपके पास भाई हैं, बहन है, आपके पास एक छत है रहने के लिए, तो जो चीज़ें आपके पास हैं उनको अप्रिशिएट करना सीखो। बाकी चीज़ें मिलेंगी, उनके लिए आप मेहनत करते रहिए, लेकिन संतुष्टि ज़रूरी है और कृतज्ञता ज़रूरी है। भगवान को डेली धन्यवाद दीजिए कि जो चीज़ें आपने मुझे दी हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आएगी वो बयान नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली उठते ही और सोने से पहले भगवान को दो बार धन्यवाद देना है, काउंट करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी रियल, आपकी प्रॉपर्टी हैं, जो कि आपको मिली हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, राइट। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। इंसान पैसे से खुश नहीं होता है, पैसा कभी भी खुशी नहीं खरीद सकता है। इंसान खुश होता है उसके रिलेशनशिप से। जो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे आपको खुशी मिलती है। तो जो आपके रिलेशंस हैं, आपकी जो हस्बैंड से रिलेशन है, आपके मम्मी से, पापा से, भाइयों से, बहनों से, जो आपके इन लॉज हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, इनसे अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखिए। कुछ लोग बिल्कुल रिलेशन के लायक नहीं होते, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग अच्छे हैं उनमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, दो तीन चार नेगेटिव भी होंगी लेकिन छह चीज़ें अच्छी हैं, तो उनको देखिए और उनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखिए। एट द एंड ऑफ लाइफ आप यही देखते हैं कि कितने मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे थे, उन्हीं से आपको संतुष्टि मिलती है। और लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो सारी चीज़ें थी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए ठीक है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो पॉइंट है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए, वो है लर्न समथिंग न्यू। आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ ना कुछ नया लर्न करने की हमेशा चीज़ रहनी चाहिए। अगर आप एक जगह संतुष्ट होकर बैठ जाते हो कि अब मुझे कुछ करना नहीं है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में ढलते चले जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको लाइफ में नया सीखना है। हमेशा आपके दिल में ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि कल सुबह होगी तो कल मैं ये चीज़ करूँगा। तो हमेशा लुक फॉरवर्ड करने के लिए आपके पास लाइफ में एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए, एक काम होना चाहिए जो कि आप करेंगे। ये काम आपको मीनिंग देता है, आपकी लाइफ को एक मीनिंग देता है और एक डायरेक्शन देता है, राइट। तो ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या सीख सकते हैं? आप कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो। आप कोई पेंटिंग बना लो घर के लिए, कोई घर में DIY क्राफ्ट कर लो, कोई रंगोली बनाओ, कोई कुकिंग सीख लो। कुकिंग सीखना शुरू किया तो आज रोटी बनाई, कल आपने दाल बनाई, परसों आपने केक बनाया और नर्सों आपने रसमलाई बनाई। तो ये चीज़ें ना कुछ आप लुक फॉरवर्ड करते हो, डायरेक्शन होता है आपकी लाइफ में, तो आपको हैप्पीनेस देती है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप नए नए स्किल्स लर्न करते हो तो आप इन्हीं स्किल्स के बलबूते पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो। मुझे लगता है कि हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। तो अगर आपकी मेहनत के, आपकी क्राफ्ट के अगर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये भी आपके पास आते हैं ना, वो आपको जो हैप्पीनेस दे जाएंगे वो किसी और के दिए हुए रुपए आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे। तो कुछ ना कुछ नया करें, उसको आप चाहे तो फाइनेंशियली आप उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए लाइफ में, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरे 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपको हैप्पी रखने में मदद करते हैं और आपकी लाइफ को ना स्मूथली फ्लो करते हैं। जो जीवन रूपी हमारी नदियाँ है ना, इसको स्मूथली फ्लो करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे असरदार लगा, क्या सारे पॉइंट्स असरदार लगे या कुछ गड़बड़ लगी। जो भी चीज़ है आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी हेल्प मिली हो, थोड़ा पॉजिटिव फील हुआ हो तो ज़रूर लाइक करना, ओके। और आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मॉम की डायरी, वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पे लाइफ की अदर अपडेट्स मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।